हेलो पीपल ऑफ़ द इंटरनेट, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आई नो मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ फिर से एक वीडियो लेके, लेकिन उससे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊँ कि आज मैं अपने DSLR से शूट नहीं कर रही हूँ, आज मैं अपने नए फ़ोन से शूट कर रही हूँ। तो हो सकता है मैं कभी यहाँ कभी वहाँ देखूँगी, बिकॉज मैं आज पहली बार वीडियो शूट कर रही हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टली फ़ोन को रख के। और अगर आपको जानना है कौन सा फ़ोन है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देख लीजिए। अगर आप यूट्यूबर हैं, व्लॉगर हैं या कोई भी इन्फ्लुएंसर है जिसे एक बहुत अच्छा कैमरा चाहिए अपने फ़ोन में, तो ये फ़ोन अभी बिल्कुल बेस्ट है, 30 to 35 thousand के रेंज में आता है। बाकी आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ एक हेल्थ सप्लीमेंट आप लोगों के लिए। नाउ अगर आप मेरा चैनल ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अलग अलग हेल्थ सप्लीमेंट्स भी रिव्यू करती हूँ। कुछ जो मेरे अपने बहुत फेवरेट हैं, जिन्हें मैं हमेशा लेती हूँ, रेगुलरली लेती हूँ, दैट इज़ मल्टीविटामिन हो गया, या फिर कैल्शियम हो गया, या फिर ओमेगा फिश ऑयल कैप्सूल्स हो गया। तो ओमेगा फिश ऑयल कैप्सूल्स मैं ले तो 2-3 साल से रही हूँ, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि मुझे एक थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में कोई चाहिए। प्लस इंग्रेडिएंट्स होते लगभग सारे सेम ही हैं, बट इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी क्वांटिटी या समझ लीजिए मेजरमेंट ज़्यादा है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। एंड मैंने ये मंगाया है अमेज़ॉन से, सो आपको मैं नीचे लिंक दे दूँगी इसका। ये वैसे मार्केट में अराउंड 699 का है MRP, लेकिन ये आपको मिल जाएगा अराउंड 220 रुपीज़ में ऑन अमेज़ॉन। एंड इसमें आपको मिलते हैं 60 कैप्सूल्स। तो ये है बेटर ओमेगा 3 फिश ऑयल। नाउ इसके ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। लाइक अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बिल्कुल गॉड ऑफ सप्लीमेंट्स है, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज ये आपको बहुत अच्छी स्किन दे देगा, आपको अच्छे बाल देता है, लाइक आपको बालों का जो टेक्सचर है वो सॉफ्ट हो जाएगा, बाल हेल्दी हो जाते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है। सेकेंडली ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपको मिल जाता है लाइक गुड फैट्स जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत होता है। लाइक जब आप जंक फूड वगैरह अगर अनहेल्दी खाना खाते हो तो उसमें आपको बैड फैट मिलता है, लेकिन जब आप अच्छी चीज़ें खाते हैं और उससे आपको गुड फैट्स मिलते हैं तो वो भी ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। एंड इसमें EPA इज़ लाइक 180 mg पर कैप्सूल और DHA इज़ 120 mg। तो इससे पहले जो मैं यूज़ कर रही थी उसमें इसकी मात्रा कम थी, इसमें ज़्यादा है। अब इतना मुझे डिफरेंस नहीं पता, लेकिन हाँ आई थॉट कि वाई नॉट, मतलब उसमें 60 mg थी, इसमें 180 mg है, तो आई एम श्योर ये शायद थोड़े और स्ट्रॉन्गर अच्छे क्वालिटी के पिल्स होंगे। मुझे इसको लेते हुए अभी 2 वीक्स हो गए हैं, जैसे मैंने कहा इसमें 60 pills हैं। नाउ EPA क्या होता है, जो मैंने आपको अभी भी बताया, EPA इज़ बेसिकली फॉर योर मेंटल हेल्थ, मतलब जितने भी अल्जाइमर हो गया, मेमोरी लॉस, ये सब जो विद एज होता है ये होने के चांसेस कम रहेंगे, बिकॉज आपका जो ब्रेन हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। तो अभी से लेना शुरू करोगे तो इसके फ़ायदे आपको 70s में 80s में जाके समझ आएंगे, ठीक है। तो सप्लीमेंट में, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो आपको एकदम से पता चलेगा, वो है कि आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है बेसिकली, ठीक है। एंड दूसरा होता है इसमें DHA। नाउ DHA इज़ बेसिकली आपके रेटिना हेल्थ के लिए होता है, विजन हेल्थ के लिए होता है, अगेन आपकी ओवरऑल यू नो ब्लड वेसल्स, लंग्स, हार्ट, एनर्जी सोर्स, ये जो होता है इसके लिए होता है। तो आप अगर इसे रोज़, आपको सिर्फ एक पिल लेना है, इसमें कोई यू नो पानी में मिला के लेने वेने का कोई झंझट नहीं है, सो यू कैन जस्ट टेक 1 कैप्सूल एवरी डे। एंड लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज हाउ द पिल लुक्स, ओके। एंड ऑल यू हैव टू डू इज टेक इट विद वाटर। मैं इसको रोज़ रात को लेती हूँ एंड मैं इसको अपने बेड साइड टेबल पे ही रखती हूँ जिससे कि मुझे याद रहे। और ये मेरा सोने से पहले लास्ट स्टेप होता है, एक ये और एक कैल्शियम और कभी कभी मल्टीविटामिन, ये मैं रेगुलरली लेती हूँ। नाउ आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि बोलते हैं बंगालीज के बाल बहुत अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है, लाइक बाल स्पेशली बिकॉज वो फ़िश खाते हैं। नाउ अगर आप पर्सनली रोज़ फ़िश नहीं खाते हैं या बहुत रेयरली खाते हैं
तो फिर ये एक चीज़ आप रेगुलरली ले सकते हैं, क्योंकि फ़िश के फ़िश ऑयल के जो बेनिफिट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं आपके ओवरऑल पूरे इम्यून सिस्टम, हार्ट, ब्रेन, स्किन, हेयर, हर चीज़ के लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ओमेगा फिश ऑयल कैप्सूल्स ना गॉड ऑफ सप्लीमेंट्स है, मेरा पर्सनली फेवरेट है। कैल्शियम मैं इसलिए लेती हूँ बिकॉज बीइंग अ वुमन हमारा कैल्शियम लॉस ज़्यादा होता है, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कैल्शियम तो पूरी लाइफ लेना ही है। ऑल्सो ये जो ओमेगा कैप्सूल्स है ये प्रेगनेंट वुमेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं, जबकि ये भी देखा गया है कि जो अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरे 9 मंथ्स इसे कंज्यूम करते हैं उनके बच्चे हेल्दी डिलीवर होते हैं, मतलब उनमें जो ब्रेन डिसऑर्डर वगैरह है या ADHD हो गए इस टाइप के प्रॉब्लम्स बहुत ही रेयर पाए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके फीटस के लिए मतलब बेबी के लिए बहुत अच्छा है और आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बाय द वे गाइस, इस प्रोडक्ट में कोई ग्लूटेन नहीं है, लैक्टोज नहीं है, कोई शेलफिश एक्सट्रैक्ट्स नहीं है, कोई मिल्क नहीं है, ग्लूटेन फ्री है। सो येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्रोडक्ट फॉर एनीवन टू यूज़। इसमें कोई शुगर भी नहीं है, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तब भी ये बहुत ज़्यादा सेफ है आपके लिए, एंड ये सोडियम फ्री भी है। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड सप्लीमेंट फॉर एवरीबडी, मैन वेमेन एवरी वन कैन टेक इट, एंड आई हाईली रिकमेंड यू नो टेकिंग दिस एवरी डे। तो इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और कमेंट सेक्शन में मंगाओ, अफोर्डेबल है एंड या स्टार्ट टेकिंग इट एवरी डे। और हो सके भी अगर आप चाहे तो कैल्शियम सप्लीमेंट भी ज़रूर लेना, बिकॉज बीइंग अ वुमन कैल्शियम भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये दो सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स वगैरह सब लगाओ, हेयर केयर लगाओ, लेकिन ये साथ साथ लेते रहो, बिकॉज इंटरनली जब आपकी स्किन ग्लो करेगी तो वो दिखता है। एंड या आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस रिव्यू, डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सी मी इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।